नो तो नमः हरि ओम यो नमः प्रविश्य मम वाचमिवाम प्रसुत्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरस्वधामना अन्यश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदा भा पीतांबर दारुणविंब पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद्र नेत्रा कृष्णा परम किमति तत्वमहम् न जाने महाविदमस्माकं भागधेयं यदत्र अस्मिन् प्राग विद्यावारिधि षाड्मासिक पाठ्यक्रम अस्य परम पुनीतस्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलपतयाः परम सम्माननीयः तत्र भवन्तः प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह महाभागः अत्र अस्माकं सर्वेषामपि मार्गदर्शनं कर्तुं मत्र समागताः सन्ति तेषां चरणकमलयोः प्रणामं कुरस्रम अहम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतं गहर आचार्य जी इस विश्वविद्यालय के अत्यंत यशस्वी कुलपति जी हैं और आज हम सभी के मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं उनका इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं आज हम सभी का शोधार्थियों का सौभाग्य है कि शोध के शोध की विविध दिशाएं माने क्या क्या दिशाएं हो सकती हैं शोध की इस विषय पर प्रतिकूलपति महाभार अपना दृष्टिपात करेंगे हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे शोधार्थियों को अपने मार्गदर्शन से आप्लावित करें सम्माननीय प्रति कुलपति महाभागा जी सर आप अनम्यूट होंगे जी नमो नम ओ तत्सितुर्वर्ण्यम धियो यो धीमयो नचोदया सन्मार्ग पर प्रेरित प्रेरित करने वाले उस सविता को हम सर्वप्रथम नमन करते हैं प्रणाम करते हैं जो हमारे बुद्धि को प्रेरित करती है यह जो शोध है अनुसंधान है यह बुद्धि का व्यवसाय और बुद्धि के व्यवसाय ले आने में यह शब्दता हमारी मदद करती है सबको प्रातः काल का नमस्कार है और हमारे जितने सुधार्थी हैं इसमें मुझे कल पता चला है आवाज मेरी जा रही है सुस्पष्ट हो रही है एकदम स्पष्ट है क्लियर है हाँ हाँ सुधार सु... सु... जितने सुधार्थी हैं आ, उनका सबका मैं देख रहा हूं आ, वो बंद है क्या कहते हैं अपना उन लोगों ने वीडियो जो है ऑफ करके रखा है वीडियो कम से कम अगर वो शेयर करते तो उससे भी कुछ बातें होती कुछ बातें बनती क्योंकि यह वन वे वन वे स्टाइल हो जाएगा वार्तालाप का अगर वो भी अपना हाँ वीडियो शेयर हो रहे हैं वीडियो आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सबके दर्शन हो रहे हैं क्योंकि प्राणी मात्र में जो है समावेश होता है ब्रह्म का और ब्रह्म का नमन जो है सृष्टि का नमन है समाज का नमन है और ब्रह्म से इस जीव जो है समाज में रहता है और इसी समाज के उत्थान के लिए जो है सारे विद्वत कार्य में जो है किए जाती है और यस सड़मा सर आप फिर से आ, म्यूट हो गए हैं आवाज हुई आवाजारी है? आवाज आ रही है तो सबसे पहले हमें समझेंगे कि क्या है जो है जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से अलग अलग रूप में प्रस्तुत की जाती है जिसको कोई खोज कहता है कोई इसको आविष्कार कहता है और धरती पर कोई ऐसा चीज नहीं है जो है नहीं सब कुछ विद्यमान है उसको अपने उपयोग में लाना शास्त्र उपयोग में लाना समाज के उपयोग में लेना अपने ज्ञान से उसमें भरना उसको अपने योग्य बना देना यही शोध है किसी वस्तु को कैसे योग्य हम बना दे मुझे पता चला इसमें व्याकरण के दर्शन के आयुर्वेद के पार्टिसिपेंट्स सब भरे पड़े हैं तो कुछ व्याख्यान हमारा जो होगा मिला जुला होगा हमारे उपनिषद कार उपनिषद में कहते हैं हिरण्यमय न पात्रे न सत्यक्ष सत्य का मुह जो है हिरण्यमय पात्र से अक्षादित है सुधार्थी का यही कार्य है कि उस पात्र को हटावे और सत्य का स्वरूप ग्रहण करे सत्य जब जान जाएगा उसकी उपयोगिता उपदेयता जब जान जाएगा तो वह समाज के कल्याण के लिए अपने कल्याण के लिए प्रवृत्त हो पाएगा शोध की यह जो है प्रधान कार्य है और इस शोध को करने के लिए श्रद्धा चाहिए श्रद्धावानम लभते ज्ञानम श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करते अगर आप लगन से कोई कार्य करेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त होंगे अगर लगन नहीं रहेगा यूं ही चलते रहेंगे तो लक्ष्य भी दूर रहेगा और समय भी व्यर्थ जाते रहेगा तो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए विषय में लगाव होनी चाहिए, उसके प्रति समर्पण होना चाहिए एक घंटे का हमारा और आपका जो जो वार्तालाप होगा ऐसा नहीं कि मैं दुनिया का सबसे विशिष्ट विद्वान हूं जो आपको दिशा और दशा दे रहा हूं या कोई अच्छी नई चीज बताने जा रहा हूं वस्तु वही है हम अपनी श्रद्धा से आप तक पहुंच रहे हैं हमारे इस एक घंटे के आपके वार्तालाप के साथ आप अपने सड़मासी लगन में कितना शोध कर पाएंगे कितना आप जान पाएंगे यह जो है उसके रिजल्ट में आपको प्रतिबिंबित होते रहेगा अब देखिए शोध के बहुत सारे आयाम होते हैं उसकी परिकल्पनाएं होती है परिकल परिकल्पना हैपोथीसिस अब हैपोथीसिस जब तैयार करेंगे जब उसमें देखेंगे कि हेपोथीसिस क्या है तो शोध आप वैसे ही किसी चीज का शोध तो नहीं करने लगेंगे कोई ना कोई एक मार्ग बनाएंगे कोई ना कोई एक दिशा का कोई ना कोई इस मार्ग का चयन करेंगे तो उस मार्ग मार्ग के चयन करने के पूर्व जो है एक आप परिकल्पना बनाएंगे यह शब्द ही अपने आप में पूर्ण शोध है कल्पना करें और कैसी कल्पना करेंगे परिकल्पना परित कल्पना मैंने चारों तरफ उस विषय के बारे में सोचेंगे जब चारों तरफ सोचेंगे तो उसके काल के बारे में सोचेंगे किस काल का है अगर कभी है तो कभी किस काल का है उसका कृतित्व क्या है उसका व्यक्तित्व क्या है उस वक्त का समाज कैसा था क्योंकि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है उसका काल कैसा रहा उसके साहित्य में कौन कौन सी चीजें आई क्योंकि साहित्य जो होता है सहितम साहित्यम जो हित के साथ होता है वही साहित्य होता है और हित के साथ जो भी चीजें होती हैं वो सब साहित्य के दायरे में आती है मनुष्य के उपयोग में आती है तो परिकल्पना करेंगे चारों तरफ से परिकल्पना करेंगे अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं जैसे मेघ दूत मेघ कालिदास की रचित रचना है और इस रचना में आप ध्यान देंगे कि नजारे कितने हजारों शोध प्रबंध आ गए और आज भी कल्पनाओं में आपकी परिकल्पनाओं में आज भी शोध के लिए उसमें जगह पड़ी और कल भी रहे शोध जो है इसका अंत नहीं है प्रारंभ जरूर होता अंत नहीं होता है दो चार मैं बता देता हूँ आपको इस अभिज्ञान मेघ दूतम के बारे में आयुर्वेद वाले लोग भी होंगे इसमें आयुर्वेद के लोग ये जान ले जिस तरह के प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन हुआ है और उसके नारी श्रृंगार में जो जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पुष्प सुगंध लेपन जो उसमें विद्यमान है जिसको आज हर्बल कहा जा रहा है ऑर्गेनिक कहा जा रहा है आप उसका प्रयोग कीजिए अमेरिका से लोग आएंगे आपके पेटेंट को खरीदेंगे हमने अपनी चीजों हम अपनी चीजों को भूल गए उसे सहेज कर रखना है यह प्राच्य विद्या का संस्थान जो पूरे बिहार में सिर्फ मात्र एक है कामेश्वर श्री दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय इसकी अपनी एक महता है इसकी अपनी एक आप म्यूट हो गए हैं सर सर आप म्यूट हो गए हैं अनम्यूट हो जाए पक्ष तो है जो बहुत दिनों से काम होता उस पर चला आ रहा है कि कालिदास को अखिल भारत का ज्ञान था कैलाश से हिमालय से लेकर मध्य प्रदेश से होती हुई अरबियन सी के जो मानसून के दो वेब होते हैं उनका भी ज्ञान था कालिदास को विज्ञान कितना हमारा समृद्ध था और कौन सा विज्ञान किस भाषा में सन्निहित विज्ञान यह आधुनिक विज्ञान यह जो आधुनिक मतलब आधुनिक कहने का मतलब जो अभी लेटेस्ट हमारा विज्ञान चल रहा है संस्कृत में मानसून जिसको कहते हैं हमारे यहां पहले से व्याप्त था और इस जब यक्ष जो निर्वासित होता है मानसरोवर कैलाश के, मानसरोवर के पास से तो वह जो है मध्य प्रदेश की पर्वत व्यवस्था है और उससे अपनी पत्नी के पास संदेश भेजना है और यक्ष को भेजना है कभी यक्ष के रूप में बैठा हुआ है और उसी ज्ञात है इस इंडियन मानसून के रूट इसके मार्ग का भान है उस, उसको ज्ञान है और उस निष्प्राण से अपनी विद्वता के माध्यम से यह संदेश भेजता है साथ साथ लोगों का लोगों को इस इंडियन मानसून का रूट भी बताता है यहां यहां बारिश होगी यहां यहां बारिश के मौसम है यहां यहाँ फरानिक किस्म का किस्म की खेती होगी खेती अब जब खेती होगी कृषि होगी तो उससे दो तीन चीजें आपको सामने आ जाए एक तो अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था से सारी व्यवस्थाएं जो है प्रभावित होती है मसालों की खेती होगी चावल गेहूं धान की चावल गेहूं मजे की खेती होगी और जहां नहीं होगी वहां पर इसका निर्यात होगा तो ट्रेड रूट बन गया जो सिल्क रूट जिसको कहा जाता है जो चाइना से चलते हुए राजस्थान से होती हुए अरबियन देश में जाता है देखिए कैसे प्रभावित हो रहा है एक मानसून से एक बादल से इकोनॉमी कैसे प्रभावित हो रही है और उस छोटे से ग्रंथ में और आगे जाइएगा तो बहुत सारी मंदिरों की चर्चा है नदियों की चर्चा है वनस्पतियों की चर्चा है ये वनस्पतियां क्या ये वनस्पतिया जो खादी योग है वैसज है जिसे हम खाते हैं वहज है जो हमारे हम हमको आरोग्य हमको आरोग्य प्रदान करते हम और दूसरा चीज क्यों नहीं खा लेते हैं बहुत सारे प्लांट है बहुत सारे पौधे हैं लेकिन हम वही खाते हैं जो कि औषधि के रूप में हमारे शरीर का हमारे इंद्रियों का हमारे शरीर के अंगों का वर्धन करें उसे हम खाते अब देखिए इस भोजन से इस एक मेघ के एक टुकड़े से मेघ के एक बारिश से हर चीज प्रभावित हो गया अर्थव्यवस्था तो प्रभावित हो गई वनस्पतियां प्रभावित हो गई व्यापार प्रभावित हो गया व्यापार के साथ साथ जो है जीव जंतु भी प्रभावित हो गए जहां जैसा वेजिटेशन अधिक रहा वहां पॉपुलेशन बढ़ गया जनसंख्या बढ़ गई आबादी घनी हो गई, नहीं रहा, व्यापार बढ़ गया जब आबादी और व्यापार बढ़ेगा तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलेंगे तो हर तरह के व्यापार और बाजार आ जाएंगे अभी जो है आप लोग हिंदी दिवस मनाते हैं इधर उधर कहते सुनते चलते कहते हैं कि भाई हमारी भाषा को संरक्षण प्राप्त नहीं है इसे संरक्षण भाषा को संरक्षण की जरूरत है कभी संस्कृत के, कि संस्कृत के किसी ज्ञानी को को विद्वान आपने इस तरह का भीख मांगते हुए देखा है कि मुझे संरक्षण दो लोग आगे आकर बढ़कर इसको संरक्षित करते हैं इसे संभालते हैं यह संस्कृति जो है भाषा जो है संस्कार और संस्कृति देती है विज्ञान देती है लोग इसका पूजन करते हैं ये सब परिकल्पना के सिद्धांतों के तहत मैं आपको ही बतला रहा था ये मैं बतला रहा था एक छोटे से ग्रंथ के बारे में एक के बारे के एक ग्रंथ जो है कितने इसके आयाम हो सकते अब देखिए इसका वैज्ञानिक आयाम में कहना मैं भूल गया था उसे मैं बता रहा हूं इस पर मैं कार्य भी करना में आरंभ किया था लेकिन अभाव के कारण जो है जो भारतीय प्रायद्वीप है जब इसमें भारतीय मानसून जाता है तो दो भागों में बढ़ता है एक बंगाल की खाड़ी से आता है और एक अरबियन सी से जो चलता है इधर बम्बे साइड से जो प्रवेश करता है दोनों शाखाएं मध्य प्रदेश के ऊपर बरसती है बरस और मध्य प्रदेश में आप लोगों ने पढ़ा होगा सतपुरा के घने जंगल धस हो तो धेश इतने शघन जंगल हुआ करते थे इन बारिशों के चलते इतने घने जंगल हुआ करते थे अब तो उसका दोहन हो गया एक गया एक था नंगे नंगे पहाड़ घूम रहे तरफ के जब बादल आते थे मानसूनल और जब उसमें जब दोनों शाखाएं जब मिलती थी तो जीवो पाड़ा बनाकर इतनी बारिश करते थे वहां पर कि यह एक वैज्ञानिक शोध का विषय हो गया कि यहीं पर ये बादल दोनों क्यों मिल रहे हैं? दो, दोनों शाखाएं हैं बिहार में भी मिल सकते थे महाराष्ट्र के किसी पार्ट में मिल सकते थे आपको झारखंड में मिल सकते थे उत्तर प्रदेश के किसी प्रदेश में मिल सकते थे वैसे लेकिन मध्य प्रदेश के पठारी भाग में ही क्यों एक परिकल्पना है एक परिकल्पना आयुर्वेद वाले लोग भी बैठे हुए हैं पचास हमको यदुवीर जी ने बताया करीब पचास के है एक परिकल्पना ये भी है अभी कोविड का समय चल रहा है लोग बीमार हो रहे हैं मैं भी अभी उसी फेज से निकला हूँ निकल ही रहा हूँ करीब करीब तो बैठे बैठे दो तीन दिनों से मैं त्रस्त हो रहा था तो कहा कि कुछ परिश्रम इधर भी कर लू तो जब जाएंगे इसमें कम से कम आर टेस्ट हो रहा है और जो एंटीजन टेस्ट हो रहा है टेस्ट होने के बाद जो ब्लड टेस्ट जब निकल रहा है एक परिकल्पना दिमाग में ये भी आती है कि देखिए कोई भी अभी तक पूरे विश्व में अगर ब्लड टेस्ट लेना है तो निडिल का प्रयोग करेगा ही करेगा आपके धमनियों से रक्त रक्त का खिंचाव करेगा ही करेगा क्या ये ऐसा है? हमारे हमारे यहाँ के चिकित्सक जो कि चिकित्सा क्षेत्र चे, में हम लोग चरक के वंशज कहे जाते हैं हमारे जो वैद्य हैं आयुर्वेद के नाम से हम लोग जाने भी जाते हैं क्या ये मच्छर कौन से से पंप से पंक, पंपिंग करते हैं कि दर्द भी नहीं होता है और वो ब्लड आपके निकाल लेते हैं जितनी जरूरत है वो किस एक से किस विज्ञान से किस तकनीकी से ब्लड निकालते हैं कि एक थोड़ी सी खुजलाहट होती या थोड़ा सा हल्का दर्द होता है लेकिन ब्लड तो पंप कर लिया ब्लड तो शक कर लिया उसने तो ये परिकल्पना है इसे साकार रूप देने की जरूरत है आज चांद पर हम पहुंचे हुए हैं लेकिन फिर भी हमारे शरीर में निरल ब्लड निकालना है तो निडिल का प्रयोग करना ही करना पड़ता है जबकि हमारे सामने जो है एक मच्छर जो है हमारे शरीर से आपने सुना भी होगा एक, एक मच्छर क्या ना क्या कर देता है तो परिकल्पना है इसे हमें सोचना होगा और इसको आविष्कार मिला तब यह जो समाजोपयोगी होगा उस इस तरह का संयंत्र लोगों ने दिया कहेगा कि इस तरह का संत भारत में दिया आप हनुमान चालीसा पढ़िए और जो उसमें हनुमान चालीसा में जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी दिखाई है हमारी ज्योतिष ग्रंथों को पढ़िए उसमें देखिए कणाद परमाणु की परिकल्पना तो देखिए लोग जो परमाणु कहते हैं कि फलाने ने एटम खोजा हम तो एटम से भी नीचे जो है उसके अणु आपको एटम से नीचे जो है तन्मात्राओं की खोज कर लिया हम लोग एटम तो हम लोगों ने पहले से क्लाड ने उसको खोज लिया कण के सबसे न्यूनतम पार्ट को खोजा उसके बाद उसको तोड़ा उसको तोड़ने के बाद उसको पंचविधाओं में बांट दिया पंच तन्मात्राओं में बांट दिया रूप रस गंध स्पर्श में बांट दिया अब उससे नीचे क्या बांटिए इसमें व्याकरण के लोग भी बैठे हैं साहित्य के लोग भी बैठे हैं तो व्याकरण वालों से मैं कहूंगा कि आप भाषा जो है प्रवाह में चलती है और व्याकरण जो है उस प्रवाह को एक दिशा देती है व्याकरण जब प्रवाह को दिशा देती है तो बाढ़ नहीं आने देती अब चूंकि हम लोग वन वे स्टाइल में पठन पाठन कर रहे हैं इसलिए सिर्फ मेरी बात आप तक जा रही है इस सिस्टम में यही है कि अगर क्लासरूम रहता तो आपके फीडबैक को भी मैं लेता तो जब प्रवाह में जाती है भाषा तो उसे बांध बांधने का काम जो है व्याकरण और संस्कृत व्याकरण जो है इसीलिए जाना जाता है यही है यही कारण अभी आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा व्याकरण वालों से कि शब्द अधिक है कि वाक्य अधिक है अगर कोई उधर से सुन रहे हो व्याकरण वाले तो अपना माइक अनम्यूट करके हमें बताना चाहेंगे कि शब्द अधिक है कि वाक्य अधिक है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है हेलो हेलो उत्तर एक छात्र ने उत्तर लिखा है शब्द अधिक है चैट बॉक्स में उत्तर लिखा है शब्द अधिक है जी मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि यदि हम इनको अनम्यूट करेंगे तो बहुत शोरगुल हो जाएगा गुर है चैट बॉक्स से ही आप वो जैसे व्याकरण के उन्होंने कहा कि शब्द अधिक है और एक वैद्य अष्टलक्ष्मी जी ने भी चैट बॉक्स में लिखा शब्द अधिक है आयुर्वेद के शोधार्थी है वैद्य लक्ष्मी हाँ, क्या लिखा उन्होंने उन्होंने भी लिखा शब्द शब्दावली अधिक है जी आ, मैं आपको युगवीर जी मैं दोनों आ, विद्वानों को दोनों शोधार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूं कम से कम उन्होंने तो जवाब दिया अश्विनी कुमार भी लिख रहे हैं श्रद्धा अधिकार तो ए, दोनों तीनों विद्वानों को मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं शोधार्थियों को कि इन्होंने कम से कम रिस्पॉन्ड तो किया एक घटना में सुनाना चाह रहा हूँ जिसमें जिसमें एक प्रत्याशी गया इंटरव्यू देने की दृष्टिकोण पर मैं बता रहा हूँ दृष्टिकोण आज का या समाज का दृष्टिकोण ऐसा भी होता है आप जानकर थोड़ा सा हास्य में शम, इसमें समिश्चित करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक गया अंतर्विक्षा में एक छात्र गया और त्रिविक्रम था त्रिविक्रम मतलब कि उसके बहुत सारे पेविकार लोग भी थे तो गया तो उससे जितने भी प्रश्न पूछे गए वह मौन रहा उसके बाद जो उसके परविकार लोग आए उससे कहा गया आपका आदमी तो कुछ बोला ही नहीं कहा क्या कहा बोला नहीं अरे कहिए उसने असत्य भाषण नहीं किया उसके तो बाद विद्वान व्यक्ति था जो विद्वान होते हैं वो गंभीर होते हैं गांधीर्य उनका लक्षण है मौन स्वकृति का लक्षण है अरे उसकी विद्वता को तो देखिए कम से कम गलत तो नहीं कहा तो ये भी एक दृष्टिकोण है तो वो अलग बात है लेकिन जिन लोगों ने प्रयास किया सर, सर विभूषणम मौनम अपंडितानी जी जी जी, <laughs> जिन लोगों ने कहा और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं मैं बतला दूं कि शब्द जो है सीमित होते हैं वाक्य जो है अश्मित होते हैं व्याकरण व्याकरण के विद्यार्थी जो इसमें बैठे हैं और सामान्य भाषा वाले भी हैं शब्द जो है साधु शब्दों की शब्दावली हमारे यहाँ शब्द कोश है तो शब्द हैं हमारे यहाँ शब्दों की निर्माण की प्रक्रिया प्रक्रियाम पदम शुभंत और तिगंत से जो हम शब्द बनाते हैं वह जो है उसकी एक डिक्शनरी है जितने हम शब्द शब प्रयोग में ले आते हैं उस शब्द कोश में मिलते हैं ले, लेकिन जितने हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं वाक्यों का कोई कोष नहीं है शब्द सीमित है वाक्य अब ये जो है परिकल्पना जो है अब उसमें बहुत सारे सूत्र जो है व्याकरण के सूत्र है अधिकार सूत्र संज्ञा सूत्र इन पर कार्य करना एक शास्त्रीय विधान का कार्य करना होगा परिभाषाओं पर काम तो होती रहता है परिषा प्रविशाय, परिभाषा प्रविश, शेखर पर शेखर है पानिनी की अपनी प, आ, पचास परिभाषाएं हैं और न जाने कितनी परिभाषाओं का उनके बाद अवतरण हुआ है इन पर कार्य किया जाए अधिकार सूत्रों पर कार्य किया जाए संज्ञा पदों पर काम किया जाए और उनकी उपेदेयता उनकी शास्त्रीयता उनके विवेकत्व की शक्ति का परीक्षण किया जाए और इसको जोड़ा जाए आधुनिकता के साथ इसको जोड़ा जाए अब तो मल्टीलिंगुअल हो गया है अब तो ज्ञान देने वाली एक संस्था आ गई है जिसका नाम है गूगल ज्ञान और अज्ञान की धारा जो है व्हाट्सएप पर चलते रहती है व्हाट्सएप ऐसी एक नदी है प्रदूषित नदी कहिए या क्योंकि उसमें हर तरह की ज्ञान हर तरह का ज्ञान जो है प्रवाह में शुद्ध ज्ञान भी है अशुद्ध ज्ञान भी है तो वट्सअप का जो ज्ञान है उस पर जो प्रतिदिन जो आते हैं जो नीति वाक्य और उपदेश वाक्य महावाक्य उनका कोई रेफरेंस नहीं है कि से लिया गया है कौन विद्वान कौन ऋषि कह रहा है और हमारे इस शोध में प्रमाण देना पड़ता है कि फलाने जगह का फलाने लाइन फलाने ऋषि के द्वारा है ऋषि जो है अपने पूरे जीवन से जो छान कर लाता है जो पूरे जीवन में कमा कर लाता है जो पूरे जीवन में अपने पूरे जीवन को देने के बाद जिस चीज को जिस थाती को बचा कर लाता है जो, जो उसको शास्त्रों में देता है उसका हम दृष्टांत देते हैं और उसमें आप देखें काव्यश आत्मा ध्वनि काव्य की आत्मा ध्वनि है कितने ऋषियों ने अलग अलग परिभाषा दिया इसका और सबका जो है रेफरेंस दाता जा जाते रहता है ये सब जो है व्याकरण में साहित्य में धर्माचार्य जो है अब धर्मचार्य को देखिए जो धर्म धर्मशास्त्र जो पढ़ते हैं आज धर्म की महिमा बढ़ी हुई है धर्म की महिमा इसलिए बढ़ी हुई है कि दस कम धर्म लक्षण पूरा का पूरा गीता जो है धर्म से आच्छादित है धर्म क्या है सु सु में अकर्म विकर्म कर्मों के गतियों की सदगतियों को धर्म जो है अपने आप समेत रहता है सबसे बड़ा धर्म जो है हमारा पुराण है कहता है कि दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है और दूसरे की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है यह जो ज्ञान जो है यह जो ज्ञान दुनिया का हर दर्शन हर धर्म धर्म धर्मशास्त्री और हर हर जो है धर्म का जो सिद्धांत का जो धर्म का धार्मिक पुस्तक यही ज्ञान देता है अब इसको अपने ढंग से प्रस्तुत अलग अलग ढंग से लोगों ने प्रस्तुत की है अब उसकी परिकल्पना निकालकर हम काज करेंगे अब देखिए इस प्रवाह में एक चीज में और बताना चाह रहा था कि फिलोसफी जो दिया जाता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी करने के ये प्रोग्राम चल रहे हैं तो इस पर भी एक चीज आप समझ जाइए कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी क्या है फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन दर्शन क्या है हर वस्तु का अपना दर्शन होता है हर विधा का अपना दर्शन होता है और उसमें जाकर उसके उत्कर्ष को उसके परिणाम को लोगों के सामने रखना उसके दर्शन को लोगों के सामने रखना यह हो गया डॉक्टिट यह होगी आपकी पहुंच चाहे आप व्याकरण से आप बातों को विशेष बातों को रख रहे हैं धर्म के क्षेत्र में रख रहे हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में रख रहे हैं या और जो विधा है उनके दर्शन को आप सामने रख रहे हैं तो यह जो आप उसके दर्शन को रखा उसमें आपने डॉक्टरेट किया और यह जो डॉक्टरेट है यह जो दर्शन है यह दर्शन कैसा होगा या तो समाजोपयोगी होगा या शास्त्रोपयोगी होगा जो समाज के उपयोग में आता वो शास्त्र है और, उ, और उस शास्त्र की विशेषता और उस शास्त्र को और आगे ले जाकर उससे समाज को और उत्कृष्ट करने के लिए कार्य किया जाता है वो शास्त्रोपयोगी हो तो दो तरह की फिलॉसफी जो है आप हो जाता है इसका, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आपने पीएचडी की है तो आपने पीएचडी का अर्थ विद्या वारधि जो इसमें हम लिखते हैं विद्या वाचस्पति जो लिखते हैं अलग अलग हिंदी में भी व्याख्या है विद्या वारधि वार्तिक का मतलब तथा शाखा आपने विशिष्ट शाखा उस विशिष्ट शाखा के आप जो है उस सागर की आप ज्ञाता आप व्याकरण में अगर अधिकार सूत्रों पर संज्ञा के संज्ञा सूत्रों पर आपने कार्य किया तो उस सागर की आप ज्ञाता हैं उस दर्शन के प्रतिपादक हैं उसकी आप विशिष्ट विद्वान होने के कारण आपको यह डिग्री दी जाती है और इसका लाभ जो है आने वाली पीढ़ियां जो है प्राप्त करेगी आपके कार्य में इसका प्रदर्शन होगा आप शिक्षक हैं तो शिक्षण में इसका प्रदर्शन होगा आप समाज के किसी संवर्ग में हैं तो उसके माध्यम से यह समाज में जाएगा कार्य व्यापार में जाएगा व्यवहार से भी बात जाती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जो है इस बात को भी जानने की जरूरत है आप देखते होंगे बहुत सारे विश्वविद्यालय जो है बहुत सारे व्यक्तियों को मानद उपाधि देखते हैं डॉक्टरेट उपाधि आपने कभी सोचा है कि ये पीएचडी की डिग्री जिससे षण कोर्स करने के बाद आप पुनः जो है एक प्रारूप तैयार करेंगे प्रारूप तैयार करने के बाद उसे आप समस्याओं के लिए संकलन करेंगे डाटा कलेक्शन करेंगे उसके बाद अध्यायों में इसे विभक्त करते हुए उस बात को लिखेंगे एक नई जानकारी प्रस्तुत करते हुए मिलती है संदर्भ ग्रंथ सूची में आप जो जो जहाँ के जर्नल देखेंगे जर्नल देखने के बाद आप बहुत सारे शब्दकोश भी देखेंगे प्रमाणिक शब्दकोशों से ही शब्द की परिभाषा निकलते रहती है शब्द तो अपने एक एक होते हैं और दीपक वक्त बहुत सारे अर्थ भी देते हैं कि एक शब्द जो है तो ये सब चीज करने के बाद इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद इतनी कड़ी परिश्रम करने के बाद एक पर्यवेक्षक के अंदर कार्य करने के बाद आप डॉक्टरेट की और किसी व्यक्ति को कोई विश्वविद्यालय मानक डॉक्टरेट की उपाधि देती है कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है बंधु इस चीज को भी आप जाने क्योंकि आप जानेंगे तो अगली पीढ़ी तक ज्ञान जाएगा और ज्ञान को अगली पीढ़ी का पात्र बनाना ही चाहिए आप अपने साथ अपने ज्ञान को ले गए तो पुनः उसकी खोज करनी ज्ञान विलुप्त नहीं होता लेकिन उसको पूरा खोज करनी पड़ेगी उसमें समय लगेगा दस हिमालय के शिखर पर चढ़ने वाला जो भी व्यक्ति हो माउंट एवरेस्ट पर अगर आप उस उसके अनुभवों से आप उस पर चढ़े तो आपको कम कष्ट का सामना करना पड़ेगा और बिना अनुभवों आप तो केवल समस्याओं से ही आपको जूझना पड़ेगा आपको लड़ना पड़ेगा कभी बरसाती हवा आएगी कभी ओले पड़ेंगे कभी बर्फ का भूषण बर्फ फिसलेगी और जब कोई वहां पहुंचा हुआ है उसके अनुभवों को आप लेंगे तो इन इन परेशानियों से आप बचते जाएंगे बचाव भी बताए उसी तरह आप इसलिए उसको पीएचडी की डिग्री मान डिग्री दी जाती है तो वह व्यक्ति अपने आप में एक संस्था हो जाता है वह व्यक्ति अपने आप में अपने कर्तव्य के द्वारा जो है समाज को दिशा देने लगता है वह व्यक्ति अपने कार्यो के द्वारा इतना महान हो जाता है कि वह अनुकरणीय हो जाता है वंदनीय हो जाता है इसलिए विश्वविद्यालय उसको एच डी की डिग्री देती है मानत उसको डॉक्टरेट डॉक्टर ऑफ की रूप में देते हैं कि इनके कार्य या इनके विचार या इनकी जो तत्परता या इनके जो और सब जो जीवन के जो आयाम है एक तरह के सिद्धांत को प्रतिपादित किया एक तरह के ऐसी परिकल्पना लोगों को दी कि इससे चलने से पर्यावरण का संतुलन हुआ इससे चलने से समाज में संस्कृति आई, इस इसके इसके चलने से समाज में समरूपता आई में एक रुपता और इस तरह से यह जो है अनुकरणीय है और इसलिए इनको जैसे डॉक्टर उनके क्रिकेट के जो सचिन तेंदुलकर उनको दी उपाध्य उस बच्चे ने उस पुरुष ने जो क्रिकेट के मैदान में जो कार्य किया है उसके जितने अनुभव उसके उस उसके जितने उसमें खेल में, खेल में में के के नियम में जो की भावना है पराजय को सहर्ष के साथ स्वीकारने की भावना है और विजय को अहंकार स्वरूप जो अंगीकार करने की भावना है क्या एक इंस्टीट्यूशनल वैल्यू नहीं देता क्या ये लोगों को एक रास्ता नहीं दिखलाता कि जीत में सम समवस्था में रहो और हार में जो है उद्दलित न हो और कुंठित ना हो क्या यह नए पथ को नहीं खोलता है क्या यह नई संकल्पना परिकल्पना को जन्म नहीं देता है इसलिए ऐसे पुरुषों का जिनका जीवन समाज के लिए खेल के लिए एक नई दिशा दे रहा हो इसलिए उनको मानक बांधी दी जाती है देखिए अभी समय चल रहा है इस काढ़े का समय चल रहा है और ये काढ़ा कहाँ से आता है पूरा विश्व इस काढ़े को अपनाया है हमारी किचन से तुलसी के पत्ते को जिसको हम लोग ने सजो कर लाया है हरे घरों में तुलसी का हम लोग ने रोपण किया और हमारी स्त्रिया जो है बीच में जो उनको गृह कार्य के अग्नि कार्य करने के लिए र, रख दिया गया था देखिए परिकल्पना हमारी हमारी ऋषियों की दृष्टि देखिए उन्होंने हर घर में तुलसी का आरोपण करा दिया और कहा कि तुलसी पूजन करो अब प्रतिदिन इसका पूजन कीजिए और देखिए आज ये तुलसी जो है कैसे बचा रही है प्रतिरक्षक क्षमता दे रही है काली मिर्च इसमें डालिए नींबू डालिए और इम्यूनिटी को बढ़ाइए हमारे यहां पहले से चली आ रही व्यवस्था है आयुर्वेद को विश्व ने अपना लिया हमारे ब्रह्मचर्य को विश्व विश्व ने अपना अपनाया 2020 में 2021 में 2022 में ये में कोरोना के तीन साल जो चल रहे हैं या और कुछ नहीं भारतीय ज्ञान विज्ञान की एक नवीन नवीनीकरण की व्यवस्था है हमारे अपने जो पौराणिक आयुर्वेद के ज्ञान है उनके नवीन नवी, नवी, नवीनी नवीनी नवीनीकरण की पुनर्काष्ठा है पुनर्जागरण है बंधु पीएचडी जरूर करनी चाहिए आप करें पीएचडी बहुत सारे लोग करते हैं कुछ जीव का उपार्जन के लिए करते हैं कुछ डिग्री के लिए करते हैं कुछ ज्ञानवर्धक के लिए करते हैं और इसका एक महत्व तो ये भी है कि आप जब जाएंगे संस्थानों में शैक्षणिक संस्थानों में जाएंगे तो चार इंक्रीमेंट के साथ आपका प्रवेश दिया जाता है यह इसके वैल्यू को इसके मान को दर्शाता भी है इसके पीएचडी के इसकी योग्यता को इसके महत्व को बढ़ाने के लिए चार इंक्रीमेंट किए जाते हैं तो चार इंक्रीमेंट जो सामान्य रूप से स्नातकोत्तर है और जो पीएचडी करके जाते हैं तो वो विशेष मेहनत करके जाते हैं उनको पारितोषिक स्वरूप दिया जाता है ये पारितोषिक नहीं पारितोषिक के साथ साथ उनका सम्मान भी किया जाता है तो कोई भी पीएचडी आप कार्य करें चाहे जिस विधा में आप करें, परिकल्पना जो आप बनाए हैं उसको सही कर बनावे और कुछ ऐसा कार्य करें कि समाज को एक नई दशा दे एक नई चीज दे अब देखिए ये अनुसंधान का ही विषय है कि पहले बारमुंडा ट्रायंगल आप सुना करते हैं कि बारमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से जो भी जाता है जो भी जहाज जाता है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो वहां पर अधिक है वहां पर विलुप्त हो जाता है जहाज वहां पर फंस जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं हवाई जहाज उसके मार्ग से नीचे चल जाता है जल जलिया अब वहां पर अनुसंधान के ही द्वारा यह साबित हो चुका है कि वहां की स्थिति ऐसी है वहां का जो पर्यावरण या उसका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वहां पर तेज बारिश होती है और तेज बारिश होने पर जो विद्युतीय जो तरंगे निकलती है उस तरंग से जो है राडार काम करना बंद हो जाता है राडार उस क्षेत्र विशेष में जब राडार काम करना बंद कर जाता है तो जहाज दिशाहीन हो जाती है और वे जो है उस इतने कोहरे कुहासे में ध्वस्त हो जाते हैं ये तो वायुवार का बात जलवयान जो जाते हैं तो उस त्रिमुंडा ट्रेंगल में इतने बड़े बड़े नीचे से आपको जानकर आश्चर्य होगा जो सामान्य लोग जो ज्योग्राफी से या भूगोल से जिनका नाता नहीं जितनी भी जितनी आप आकृतियां आकृतियां धरती पर देखते हैं कंठा पठार पहाड़ नोकीले स्तंभ उतनी ही आकृतियां जो है समुद्र के नीचे भी हुआ करती है बराबर जल अक्षादित है दृष्टिगोचर नहीं है सामान्य दृष्टिगोचर है और जल ऊपर से जब लगता है तो नीचे लगता है कि कुछ नहीं केवल जल ही जल होगा ऐसी बात बहुत सारे गोताखोरों को देखते हैं या बहुत सारे जो पानी में कूदते हैं तो एक बार कूदे और कूदने के बाद लोग पता कहता है कि वो उसको नीचे लेकर कोई जानवर कोई भूत या कोई लेकर चला गया इसी बात नहीं होती है ऊपर से कूदा नीचे से लोग किला कोई पत्थर पड़ा हुआ है उसका सर नीचे गया उस पर लगा फट गया उसके बाद उसमें चला गया वो ये सब चीजें जो है अनुसंधान की चीजें होती है अनुसंधान से देखिए आज बारबुंडा ट्रैंगल जो एक रहस्य बना हुआ था उस परिकल्पनाओं से अनुसंधान से समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद कितनी राहत मिली लोगों को कितने संसाधनों का जो पहले वहां पर जाते थे जो बर्बाद होता था कितने का संचय हुआ कितनी जान माल की क्षति रुकी यह सब अनुसंधान के माध्यम से संभव हो पाया है अब मैं इसी उसमें और आपको मैं कहना चाहूंगा देखिए एक होता है नॉलेज और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन दो शब्द आते नॉलेज और इंफॉर्मेशन आज के समय में ये दोनों शब्द इतने समसामूहिक हो गए कि इनका ज्ञान और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है नॉलेज क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है और यह जो है शोध को कैसे प्रभावित करता है आपको सुनने में दोनों शब्द जो है वो समानार्थक श्रुति होते हैं शब्द जो है वैसे ही लगते कि नॉलेज तो ज्ञान है इंफॉर्मेशन जो है वो भी उसी तरह का सूचना है ज्ञान और सूचना दोनों अलग अलग चीज है और दोनों जो है आज के समय में इसलिए जरूरी हो गया है कि आपके पास जो ज्ञान समाहित है जब कुछ भी आपके पास न रहे न शब्द कोश रहे न कोई कोष रहे न कोई पुस्तक रहे न कोई शास्त्र रहे और आपके पास जो स्वयं के भीतर रखा हुआ चीज है वह जो है नॉलेज है वह जो है ज्ञान है स्वतः प्रकाश और इंफॉर्मेशन क्या है इसके अतिरिक्त सारी चीज इंफॉर्मेशन आप लैपटॉप से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दो इंटू दो चार दो का पहाड़ा आप उससे ले सकते हैं आप गीता के किसी वाक्य को उससे ले सकते हैं आप कहीं से कोई भी आप जानकारी ले सकते हैं यह इंफॉर्मेशन आप अल्फाबेट्स अंग्रेजी के 26 होते हैं और हमारे यहाँ जो है चौवन जो है इनका ज्ञान वहां से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। लेकिन जो बचपन में हम लोगों को कख पढ़ाया गया है और हमारे भीतर जो समाहित है आकार आदि जो पढ़ाया गया है हमारे भीतर जो समाहित है उनसे हम शब्द बनाते हैं उन शब्दों से हम वाक्य बनाते उन वाक्यों से हम कार्य व्यापार करते यह जो है नॉलेज हुआ और इन्फॉर्मेशन हुआ कि हमने कोई टाइप किया या किसी से पूछ लिया गुरु से देख लिया ज्ञान की किताबों से जो हमारे पास नहीं है इन्फॉर्मेशन आपकी इस शोध नॉलेज के साथ इंफॉर्मेशन का पुट जितना ही समाहित रहेगा आपका शोध उतना ही उच्च कोटि पर जाएगा आपकी पढ़ी हुई चीजें ये काम जो है स्नातकोत्तर के बाद ही क्यों कराया जा रहा है या षडमासिक मासिक कोर्स आपको क्यों कराया जा रहा है ये बतलाने के लिए कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन को जोड़िए नॉलेज और इंफॉर्मेशन को जोड़कर एक नया रास्ता अब, अब अब इसको मैं अब दर्शन के पृष्ठभूमि पर लाता हूँ यज्ञवीर ने मुझसे कहा था कि दो क्लास लीजिए अब बहुत पहले कहा था मैं सोच रहा था कि कब क्लास आएगा कब क्लास आएगा क्या पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा क्या आपको तो मैंने कहा यजवीर किसी आज कोई किरदंत पढ़ाने वाले मैंने कहा कि किरदंत को कहो कि अपने दंड को आगे ले जाए मैं आज हम इनसे मेरी अस्वस्थ भी मैं चल रहा हूं और जब आदमी अस्वस्थ होता है तो कोई कार्य नहीं होता है कोई मिलने वाले भी नहीं आते हैं डर से अभी जो मौसम चल रहा है तो मैंने कहा कि मैं लोग मैं एक मैं व्यक्ति से नहीं लोगों से मिल मैं सात आठ बजे तक उठने की स्थिति में नहीं था और व्यक्ति से जब मिलूंगा लोगों से जब मैं मिलूंगा तो उनकी दुआएं उनका प्यार भी मुझे प्राप्त होगा और मैं जल्दी स्वस्थ हो पाऊंगा अब देखिए दर्शन अब इसको दर्शन में आप लीजिए कोई भी दर्शन जो है सडास्तिक सड़नास्तिक दर्शन हो गए और हर दर्शन में मोक्ष की अवधारणाएं अलग धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके अलग अलग अवधारणाएं हर एक दर्शन हर एक दर्शन में है, आप योग के लिए अभी सबसे चर्चित योग है तो योग चित्त वृत्ति निरोधा इस, इस महावाक्य से योगा चित्त वृत्ति निरोध चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है जिन लोगों ने पातंजल योग पढ़ा होगा चित्त की पांच तरह की वृत्तियां देखी होंगी पांच पृष्ठभूमिया भी देखी होंगी और एक त्रिगुणात्मक जब हो जाएंगी तब जोड़िए कितने हो गए पांच 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 को फिर पांच से गुणा कीजिए फिर तीन से गुणा कीजिए इतने प्रकार के विकार जो है चित्त में प्रवेश करते हैं। जब इतने तरह के विकार जब चित्त में प्रवेश किए तब तो मन जब इतना विकार में जब युक्त हो जाएगा इससे ऊपर आयुर्वेद वाले लोग जो बैठे हुए हैं इससे ऊपर और इससे नीचे दो तरह का व्यापार हमारे शरीर में चलता है जीवा का कार्य है किसी चीज का रस रश, रसना कहते हैं रस को ग्रहण करना जिहवा से तो वह रस तो आनंद ले रही आनंद जो है मस्तिष्क का चीज हो गया इस, इस जो खाया और उसका जो तिक्त रस हुआ मीठा हुआ इसका तो आनंद जो है मस्तिष्क ले रहा है उसके अंदर जो जब उसकी इसके नीचे जब जा रहा है तो क्या हाल होगा जठराग्नियों का और बात कब का क्या हाल होगा जब मेदा बढ़ेगा तो क्या हाल होगा इनको जोड़ना पड़ेगा ना सबसे तो हमारे यहां जो युग में चित्त वृत्ति निरोधक कह रहा है चित्त की वृत्तियों का निरोध जब कह रहा है और उनकी पांच पृष्ठभूमियों को जब कह रहा है और उसके बाद उसको त्रिगुणात्मक जब कह दिया ज, तम जब कह दिया तब ना हमारे यहां सात्विकता पर बल दिया गया है कि सात्विक भोजन कीजिए सात्विक विचार रखिए व्याधियों से दूर रहिए, तामसिक भोजन कीजिएगा तामसिक विचार रखिएगा विरुप्तिया आती जाए समाज जो है इधर से उधर हो जाए यहां जो हमारे यहां आयुर्वेद कहा गया है ये वेद है चरक है वाग्य भट्ट ने रूप हैं वह अपने आप स्वतः जो है आपकी दिनचर्या से समाप्त हो जाए पंद्रह परसेंट के लिए आपको किसी वैद्य के पास जाना हो और वैद्य देखिए शब्द को देखिए विध धातु से जो ज्ञानी होगा और हमारे यहां सबसे बड़ा वैद्य वैद्यनाथ महादेव कभी आपने देखा है महादेव को महादेव पर धतूरा चढ़ता है महादेव पर दूध चढ़ता है महादेव का महामृत्युंजय मंत्र अभी कभी सुना है आपने सुना तो सबने है विद्या वाले हम लोग हैं ओम त्रियम्बकम यजाम है सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वरुकना माम त्रियंबकम यजाम है सुगंधिम पुष्टि उस हम त्रियंबक को पूजा करते हैं सुगंधी पुष्टिवर्धनम वर्धनम जो हमें आरोग्य प्रदान करता है मृतोर मां माम और जो हमें मोक्ष को प्रदान कराता है और कैसे ओम त्रियंबकम यजाम है सुगंधिम पुरवारुक उर्वरुक अब दृष्टांत यहाँ पर पिज़ा का नहीं है दृष्टांत यहां पर केक का नहीं है पाश्चात्य से जो आया है सड़े हुए आटा से जो पिज्जा बनाइए और मैदा से उसका दृष्टांत घर के सामने जो जो फूट है ककड़ी है उसका दृष्टांत दिया जाता है कभी जाइए ककड़ी के खेत में और एक ककड़ी के फल को उठाइए और खेचिए पूरा का पूरा लतर के साथ चलाए और वही ककड़ी जब फूट बन जाता है पक जाता है तो अपने डंटक से तुब जाता है इस मंत्र में क्या नहीं है जीवन का क्या मुक्ति का मार्ग इस मंत्र में नहीं है क्या पुष्टि वर्धन का रास्ता इसमें नहीं दिखाया गया कि किस तरह से हमारे जीवन को मुक्त कर दो जिस तरह फूट जो है माया जो है लत्तर इससे हटाओ किससे कह रहे हैं तो त्रियंबक हो वैद्यराज भगवान शिव के एक परम पूज्य हमारे रघुवंशानंद जी हैं अब तो सूक्ष्म शरीर में है मैं उनको प्रणाम करता हूँ उनके बहुत सारे उन्होंने उपनिषदों के हिंदी में गद, गद, पदानुवाद पदा और अनुवाद भी किया है और दोनों तरह के अनुवाद हैं हमारे आप कभी देखना चाहेंगे तो उनको इनके किताबों को मैंने ए, आप देख ले वैसे ईश्वर परिषद और एक मंत्र में उनका किया हुआ रघुवंशा जी का चुकी चर्चा आ गया तो मैं आपको सुना देता हूँ बता देता हूँ चूंकि हम लोग से शहित भी है अब देखिए वेदों के अब ए, हमें यदवीर जी यदवीर जी जी सर अभी इस मंत्र के बाद हमें बताइएगा उस पर अभी पर मुझे बोलना है अभी ओम पूर्ण मदाय बहुत सारे उपनिषदों के शांति मंत्रों में आता है अब इस मंत्र पर अलग से हम चर्चा करेंगे अब देखिए उन्होंने कैसा अनुवाद किया है इसका पदानुवाद ओम पूर्ण पर ब्रह्म सनातन जगत पूर्ण कहलाता है उत्तपन्न होकर पूर्ण ब्रह्म से आखो दिखलाता है निकाल जब पूर्ण पूर्ण से शे, पूर्ण शेष रह जाता है यही शेष अवशेष निरंतर शुद्ध ब्रह्म कहलाता है कितना सुंदर पद, उन्होंने किया है हर एक मंत्रों का एक एक मंत्र का मैंने दिखाया आपको एक मंत्र का दिखाया और इस पर मैंने अपनी कुछ टिप्पणी तीप, के साथ इस को मैंने प्रकाशित भी कराया है तो मैं वैद्यराज के बारे में कह रहा था वैद्यनाथ के बारे में कह रहा था कि उस महादेव को ही देवों के देव महादेव को ही बैदराज हम लोगों ने क्यों कहा तो उनके आप जाइए मंदिर में तो मंदिर में देखिएगा कि एक शिवलिंग है और नीचे जो है माता पार्वती के भक्त का दर्शन और ऊपर जो है सर्प बना हुआ है एक क्या यह जो चिन्ह जो दिखाई देता है क्या ज्योतिर्लिंग नहीं है क्या यह ज्ञान नहीं देता है कि जीवन के यही तीन आयाम है जन्म लेना वर्धन करना और ये जो सर्प जो है मृत्यु के रूप में चला जाना इससे बड़ा सत्य जो है और क्या हो सकता है और इसके सबसे बड़ा वैद्य जो है हमारे वैद्यनाथ हमारे महादेव जिनको महामृत्युंजय मंत्र से हम अभि करते हैं उनकी हम पूजा करते हैं ये सब चीजें हमारे यहाँ जो प्रतीकात्मक रूप से दी गई है इसको परिकल्पना में लेकर समाज में देना यही कार्य है हम सुधारतियों, हमारे इस प्राची विद्या संस्थान जो कामेश्वर से दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है इसका निर्माण जो है इन्हीं भावनाओं को इन्हीं विचारों का संप्रसनीयता इनको इसमें ले आना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है और रहेगा तो मैं ये बता रहा था आपको दर्शन के बारे में कि मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष अब देखिए मोक्ष की अवधारणा जो है सब चल रहे थे हम लोग कहां पर योगा चित्त वृत्ति निरोध चित्त की वृत्तियों का विरोध उसमें हम लोगों ने उसको देखा अब उसमें आगे जब चलेंगे तो उसमें अष्टांग आता है क्या अष्टांग अष्टांग हृदय नहीं आता है आयुर्वेद वाले लोग देखिए अष्टांग हृदय में जो दिया गया है और हमारे यहाँ जो पतंजल ऋषि ने अष्टांग अष्टांगिक मार्ग जो दिया है और क्या ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्गो में क्या समावेश नहीं है क्या तारतम्य नहीं है क्या उसमें आ, कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है यही तो परिकल्पना यही तो लोगों को बतलाना यही तो सामे स्थापित करना यही तो दशा और दिशा देना इसी चीज को सामने रखना और आपकी जैसा ही विद्वान इसको कर सकता है ऐसी आशा आपके जैसे विद्वानों से की जा सकती है, यह कार्य जो है कोई मीठे करने वाला व्यक्ति नहीं करेगा अगर वो करेगा तो वह जो विश्व स्तरीय विद्वान हो जाए आप जो करेंगे तो आप विश्व स्तरीय विद्वान हो जाएंगे आपकी विद्वता का लोग लोहा मानेंगे क्योंकि आप समाज का काम कर रहे हैं एक नई दशा और दिशा दे रहे हैं आप योग को आयुर् से जोड़ रहे हैं को योग से जोड़ रहे हैं और इस दोनों से जब जुड़ेंगे तो यह जो है मोक्ष की तरफ जाएगा जब मोक्ष की तरफ जाएगा तो उसमें कहा गया है स्थित प्रज्ञ हमारे यहां गीता में गीता दर्शन है कहा गया है अरे हमारे यहाँ जो परिकल्पना है कि अयम नीज परोविय लघु उदार चरता नाम तू वसुव कटुम ये महामंत्र है उदार चरित वालों के लिए यह वसुधा जो है पूरा घर है आप इस विचार को आप मानकर अगर घर से चले कि यह फलाना जो है हमारा दुश्मन नहीं है हमारा विरोधी नहीं है हमारा सहयोगी है और उसके प्रति आपके भाव ठीक हो तो जो आपके जो भाव निकलेंगे संप्रसीनता के उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो भी आपके प्रति अच्छे भाव रखेगा और आप सदा आनंदित रहे किसी ने चैटबॉक्स में कुछ डाला है हेलो यदुवीर जी जी सर चैटबॉक्स में कोई प्रश्न भी आ रहे हैं क्या नहीं वो आपका ही समर्थन कर रहे हैं जो आप अच्छा, अच्छा 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 क्योंकि चैटबॉक्स यहाँ पर, पर मोबाइल पे मैं हूँ और तो चैट बॉक्स को मैं नहीं देख पा रहा हूं तो यज्ञवीर जी हमारे अथी में एक क्लास हम लोग और इसको रखे दर्शन और कुछ दर्शन को जोड़ते हुए आयुर्वेद के साथ जी जरूर आ? जरूर रख सकते हैं एक घंटे का हम लोग का कार्यक्रम करीब करीब पूरा हो गया इन लोगों का इन लोगों का भी कहीं कहीं का कार्यक्रम होगा तो अगर कहे तो मैं व्याख्यान चालू रखू या आ, सुख और सुख का अभाव जो है सुख की पर, जो है आनंद के रूप में सचानंद की तरफ हम लोग अगर सहित हो कहें तो मैं बढ़ाऊ उधर उपसंहार कर दीजिए अभी तो हम लोग बीच में हैं तो ये आप ऐसा करें कि इसमें किसी योग्य पार्टिसिपेंट से प्रतिभागी से कहिए कि कुछ अपना फीडबैक दे उसका कोई चैट बॉक्स में किसी का नाम ले लीजिए और उससे कुछ बोलवा लीजिए अच्छा जरूर जरूर जे, तो उसके बाद जो है आ, हमारे बीच में आ, कई प्रतिभा संपन्न तो छात्र हैं शोधार्थी वीर सनातन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। जी वीर सनातन जी जी सर नमस्कार सर नमस्कार है, सर। नमस्कार है बोलिए सनातन जी जी वीर सनातन सर, सर आपको परिचय करा देते हैं वीर सनातन पूर्णेन्दु राय जी हमारे साथी हैं कलीग हैं ये जी बा, 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 बैगनी जो महाविद्यालय वहां पर साहित्य में असिस्टेंट प्रोफेसर नागार्जुन जी जी दो करौली में करौली में जी दे। जी, दे। जी, दे। सर, दे। जी जी सर जी जी सर आपसे हम मिले थे आपने मुझे पहली बार देखा था तो गले से लगाया था आपने कहा था कि आप मेरे जैसे हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं जी जी, जी, <laughs> मुझे मुझे सब लोग अपने जैसे लगते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है विद्वानों से भेंट करके क्योंकि मैं जरा सा कम अल्पज्ञ हूं और विद्वानों से मिलकर मुझे बेहद प्रसन्नता होती है